subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan, 8th English 2.5, A Heroine of the Sea. English Workshop, Activities and Question Answer. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो को आखिर तक देखिए. लेट्स बिगिन. वर्ड्स मीनिंग: लाइट हाउस, मीनारे नूर, रेग्ड, तबाहशुदा जहाज, फियर्स, भयानक, शिपरेक, जहाज की तबाही, क्लिंजिंग, मजबूती से पकड़ना, रेस्क्यू, बचाना, जर्नी, सफ़र, वोएज, समंदरी सफ़र, सी रॉक्स, समंदरी चट्टाने, स्टॉर्म, तूफान, आइलैंड, जजीरा, विद अ हेवी हार्ट, गमजदा दिल से, सेट ऑफ, सफ़र पर रवाना होना, और चप्पू, हीरोइज़म, जाबाजी, पैसेंजर्स, मुसाफिर, स्ट्रेंथ, ताकत, फेमस, मशहूर, सेलर्स, मल्लाह, सेल्फलेस, बेगर्ज. क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट एक्टिविटी है, आंसर द फॉलोइंग. हाउ ओल्ड वॉज ग्रेस? आंसर है 10 ईयर्स ओल्ड. वेयर डिड द डार्लिंग फैमिली लिव? आंसर है इन लॉन्गस्टोन लाइट हाउस. थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द शिपरेक ऑन द रॉक्स हैपन? इन्हें वो हादसा कब हुआ था? आंसर है ऑन द नाइट ऑफ 6 September 1838. फोर्थ क्वेश्चन है, शिप वॉज रेक्ड दैट नाइट, वाई? आंसर, बिकॉज ऑफ अ टेरिबल स्टॉर्म, द शिप रेक्ड अपॉन द रॉक्स. एक बहुत बड़ा तूफान आया था, इसीलिए जहाज टूट गया. व्हाट रोल डज द लाइट हाउस प्ले? यानी मीनारे नूर का कौन सा किरदार होता है? द ब्राइट लाइट ऑफ द लाइट हाउस शाइन्स अक्रॉस द सी. इट वार्न्स सेलर्स एट द नाइट ऑफ डेंजरस रॉक्स. व्हेन द सेलर्स सी द साइंस ऑफ लाइट हाउस लाइट्स, दे टेक देयर शिप्स सेफली फॉर आउट टू सी. यानी मीनारे नूर का काम होता है कि जो समंदर से गुजरने वाले जहाज है उन्हें ख़तरनाक जो चट्टाने होती है, समंदरी चट्टाने, उनके बारे में इत्तला दे, और जो मल्लाह होते हैं, सेलर्स है, उसे देखकर अब अपने जहाज़ को बचा ले जाते हैं. व्हाट एफर्ट्स डिड ग्रेस फादर्स टेक टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन? ग्रेस के वालिद ने कौन से इकदाम उठाए थे क्या कि उनके बच्चे तालीम हासिल कर सके? ग्रेस फादर वॉज अ वाइस एंड एजुकेटेड मैन. ग्रेस के वालिद अक्लमंद और पढ़े लिखे आदमी थे. ही ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन केयरफुली एंड ही टॉट ऑल हिज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट. उन्होंने अपने बच्चों की बेहतर तरीके से पढ़ाया था और लिखना पढ़ना सिखाया. ही ऑल्सो टॉट देम टू बी ऑनेस्ट, ब्रेव एंड अनसेल्फिश. और ये भी सिखाया कि वो ईमानदार बने, बहादुर और बेगर्ज बने. फाइंड द एंटोनिम्स फ्रॉम द पैसेज. यानी दिए गए पैसेज से आपको एंटोनिम्स देखना है. कॉवर्ड यानी डरपोक, ब्रेव यानी बहादुर, केयरलेसली यानी बेतरतीबी से, केयरफुली यानी तवज्जो से, सेल्फिश सेल्फलेस. अब ये अनसेल्फिश भी कह सकते हैं, यानी सेल्फिश खुदगर्ज, सेल्फलेस बेगर्ज, हैप्पी खुश, अनहैप्पी नाखुश, कवर्ड बेर यानी कवर्ड यानी ओढ़ा हुआ, बेर यानी नंगे बदन, एग्रीड डिसएग्रीड, एनिमीज फ्रेंड्स, एनिमीज यानी दुश्मन, फॉरगेट रिमेंबर यानी भूल जाना, याद रखना. व्हाट डिड ग्रेस नोटिस फ्रॉम द विंडो. यानी खिड़की से ग्रेस ने कौन सी चीज़ देखी. ग्रेस सॉ फ्रॉम द विंडो डैट द स्टॉर्म वॉज स्टिल ब्लोइंग. खिड़की से ग्रेस ने देखा कि समंदरी तूफान अभी भी जारी है. सडनली शी सॉ इन समथिंग ऑन द डिस्टेंट रॉक्स. शी नोटिस डैट सम पीपल वर क्लिंजिंग ऑन द रॉक्स एंड दे वेर हाफ अंडर द सी. और ग्रेस ने देखा कि समंदर के किनारे कुछ लोग चट्टानों को पकड़कर लटके हुए हैं और उनका आधा बदन समंदर में डूबा हुआ है. राइट एनी टू डायलॉग्स फ्रॉम द स्टोरी विच प्रूव द फॉलोइंग. ग्रेस डार्लिंग वॉज सेल्फलेस एंड ब्रेव. विलियम डार्लिंग वॉज अनविलिंग टू टेक अ रिस्क. मिसिज डार्लिंग डिस्करेज देम फ्रॉम ट्राइंग टू रेस्क्यू. पहले का आंसर है, ग्रेस डार्लिंग वॉज सेल्फलेस एंड ब्रेव. वी मस्ट रेस्क्यू देम बिफोर दे आर ड्राउंड. सेकेंड, आई कैन हेल्प यू फादर. आई एम स्मॉल बट आई एम स्ट्रॉन्ग. यू एंड आई हैव ऑफन बोट टुगेदर. वी कैन रीच दोज अनफॉर्चुनेट पीपल. इसके तलफ़ को दुरुस्त कर लीजिए. आई एम स्मॉल बट लिखना था,
टी रह गया है। विलियम डार्लिंग वॉज अनविलिंग टू टेक अ रिस्क, विलियम डार्लिंग रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। इट इज़ होपलेस, वी कैन डू नथिंग, द स्टोरी विच प्रूव द फॉलो। हाउ कैन आई रो अ बोट बाय माई सेल्फ थ्रू दीज वेव्स, इफ ओनली आई हैड अनदर मैन हियर टू हेल्प मी। मिसिज डार्लिंग के हैं डिस मिसिज डार्लिंग डिस्करेज देम फ्रॉम ट्राइंग टू रेस्क्यू। नो नो, हाउ विल इट हेल्प दोज, यू कैन नॉट रो इन दिस स्टॉर्म, डो नॉट ट्राई, अ गर्ल लाइक यू, ग्रेस कैन नॉट डू अ मैंस जॉब, लेट अस प्रे फॉर देम हजबेंड, गॉड विल हेल्प देम परहैप्स बट वी कैन नॉट। यानी मिसेस डार्लिंग उन्हें डिस्करेज कर रही थी, उन्हें जाने से रोक रही थी और इस समंदर में वो नहीं जा सकते ऐसा कह रही थी। ग्रेस से कहती थी कि तुम एक लड़की हो, आदमी का काम नहीं कर सकती, हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए, खुदा उनकी मदद करेगा। हाउ डिड ग्रेस एंड हर फादर कम टू द रॉक्स, ग्रेस और उसके वालिद चट्टानों तक कैसे आए। दे पुल्ड विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ ऑन द ओर्स एंड केम नियर द रॉक्स, बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग विंड एंड रेन दे कुड नॉट सी द पैसेंजर्स क्लिंगिंग टू द रॉक्स, दे कुड बियर ओनली देयर क्राइज व्हेन दे केम नियर रॉक्स। विलियम डार्लिंग वॉज एबल टू जम्प ऑन टू द रॉक्स, उन्होंने दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दिए थे, चप्पू चलाते हुए चट्टानों तक आए और बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी, बारिश भी हो रही थी और जो मुसाफिर थे वो चट्टानों को पकड़ कर लटके हुए थे, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन विलियम डार्लिंग ने अचानक चट्टानों पर छलांग लगाई और उन्हें बचाने की कोशिश करने लगी। हाउ डिड ग्रेस एंड हर फादर रेस्क्यू द पैसेंजर्स ऑन द रॉक्स, यानी ग्रेस और उनके वालिद ने मुसाफिरों को कैसा बचाया। विलियम डार्लिंग जम्प्ड ऑन टू द रॉक्स वाइल ग्रेस ऑल अलोन हेल्ड द टू मैन इन टू द बोट, द टू सेलर्स हु न्यू रोइंग हेल्प द डार्लिंग्स ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी बैक टू द लाइट हाउस। देन ग्रेस एंड द थ्री वुमन गॉट आउट, ओल्ड विलियम डार्लिंग एंड द टू सेलर्स रोड बैक अक्रॉस द डेंजरस सी टू रेस्क्यू द फोर पैसेंजर्स। विलियम डार्लिंग ने चट्टानों पर छलांग लगा दी, ग्रेस ने दो आदमियों को बचाया और कश्तियों चलाकर जा रहे थे और दोनों जो सेलर्स थे, मल्लाह थे, वो डार्लिंग्स की हेल्प कर रहे थे और इस सफ़र में लाइट हाउस तक के वो चले गए। तीन ख़वातीन को बताया बचाया गया, औरतों को बचाया गया और उसके बाद दोनों मल्लाह, सेलर्स और विलियम डार्लिंग वापस आए ताकि बाकी के चार मुसाफिरों को बचाया जा सके। हाउ डिड द डार्लिंग फैमिली बिकम फेमस, ये डार्लिंग फैमिली ये कैसे मशहूर हुई। द रेस्क्यूड पैसेंजर्स रिटर्न टू देयर होम इन इंग्लैंड, दे टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ब्रेव गर्ल ग्रेस एंड हर फादर टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, द स्टोरी ऑफ देयर हीरोइज्म वॉज पब्लिश इन द न्यूज़ पेपर्स, ग्रेस एंड हर फादर वर गिवन स्पेशल रिवॉर्ड फॉर देयर ब्रेवरी, सो द डार्लिंग फैमिली बिकेम फेमस एवरीवेयर। यानी डार्लिंग फैमिली ने कुछ मुसाफिरों की जान बचाई थी, वो इंग्लैंड वापस चले गए, उन्होंने ये कहानी बहादुर लड़की की और उसके वालिद की अपने अफराद खाना को और दोस्तों को सुनाई और ये कहानी जब न्यूज़पेपर में छप गई तो ये सब मशहूर हो गए और उन्हें इसके लिए खसूसी इनाम भी ना दिया गया। सेंटेंसेस विथ इट्स टाइप, डो नॉट ट्राई इम्पेरेटिव सेंटेंस, विल यू एवर स्लीप अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट स्टेटमेंट, नो नो शी एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ विल यू हेल्प द पीपल हु मीट द एन एक्सीडेंट, अगर कोई हादसे का शिकार हो जाते हैं तो आप उनकी कैसे मदद करेंगे। इंग्लिश वर्कशॉप की एक्टिविटी है, सबसे पहले अरेंज टू सेंड द अफेक्टेड पीपल टू हॉस्पिटल, सबसे पहले जो अफेक्टेड लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाए। गिव फर्स्ट एड विद द हेल्प ऑफ लोकल डॉक्टर्स, जो मुकामी डॉक्टर्स हैं उनकी मदद से फर्स्ट एड दिया जाए। कॉल लोकल पीपल फॉर हेल्प, मुकामी लोगों को मदद के लिए बुलाया जाए। कॉल द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाया जाए। कॉल द पुलिस बाय मोबाइल, मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करके बुलाया जाए। रिमूव द इंजर्ड पर्सन टू सेफ प्लेस, और जो ज़ख्मी लोग हैं उन्हें महफूज मकाम तक ले जाया जाए। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अ फैमिली हु लिव इन लाइट हाउस, किसी अफराद खाना के जो ज़िंदगी है जो मीनार नूर यानी लाइट हाउस में रहते हैं उसके बारे में बताइए।
द फैमिली हु लिव्स इन लाइट हाउस लिव वेरी हार्ड एंड टफ लाइफ। जो ख़ानदान लाइट हाउस यानी मीनार नूर में रहते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। दे लिव अवे फ्राम टाउन्स एंड सिटीज़, वो शहरों और देहातों से दूर रहते हैं। द नियरेस्ट नेबर्स आर मेनी माइल्स अवे फ्राम देम, और उनके जो करीबी पड़ोसी होते हैं वो भी कई मील दूर होते हैं। दे हैव टू टीच देम टीच दैर चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट इन दैर लाइट हाउस ओनली, वो अपने मीनार नूर में ही अपने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं। दे लिव अ लोनली लाइफ, वो अकेलेपन की ज़िंदगी गुजारते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स वेव्स एंड स्टॉर्म्स आर देयर यूजुअल कंपेनियंस, ख़तरनाक हवाएँ बड़ी बड़ी लहरें और तूफान उनका हमेशा के साथ ही होते हैं। द फैमिली इज़ यूज टू देम, और इस अफराद खाना को इन तमाम ख़ानदानों को यह आदत हो जाती है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।